तो अगर आप भी एक यूट्यूबर यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करने जाते हो तो आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलता होगा। तो और अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है या फिर आपको कुछ इस तरह से कॉपीराइटेड इशू आपको देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये है कि आपको चैनल पर जो है वो स्ट्राइक पड़ चुका है। तो स्ट्राइक पड़ने के बाद आपको जैसे कि पता है कि 90 दिन के बाद जो है ये स्ट्राइक ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको जैसे कि मैंने आगे दिखाया कुछ इस तरह का आपके सामने अगर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो आपको यहाँ पर करना क्या है। यहाँ पे मैं आप सबको बता देता हूँ कि अगर आपको इस तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा तो आपको यहाँ पे जो है कुछ स्टेप करना होगा, यानी यूट्यूब को यहाँ पे बताना होगा कि आपका जो स्ट्राइक है वो हट चुका है लेकिन आपका लाइव स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको वापस से वो लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। उससे पहले अगर आपको जानना है कि कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होता है, वार्निंग स्ट्राइक कैसे रिमूव किया, ये सारा वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मैं दे दूंगा, जाके आप वीडियो देख सकते हो। तो चलिए आपको लेके चलते अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। और तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे अब आपको उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर में अपना आ जाना है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में आ चुका हूँ। अब आपको यहाँ पे अपना चैनल को जो है क्रोम ब्राउजर के अंदर साइन इन करना है, यानी आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक क्लिक में सिर्फ यहाँ जो है अपना चैनल को यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको YT स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है जैसे ये पेज लोड होके आता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। देन अब आपको यहाँ पे करना क्या है मैं आप सबको बता देता हूँ कि आपको देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपको सिंपली सा यहाँ पे से आपको नीचे के तरफ आ जाना है। क्रोम ब्राउजर को जैसे आप ओपन करोगे आपको नीचे के साइड आना है, एंड यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है और नीचे एक आपको फीडबैक का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको नीचे वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, सेंड फीडबैक पे क्लिक कर देना है। सेंड फीडबैक पे क्लिक कर देने के बाद आपको देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, देन कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस शो कर देगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, यानी हमको मेरा प्रॉब्लम जो आ रहा है लाइव स्ट्रीमिंग, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अपना प्रॉब्लम लाइव स्ट्रीमिंग प्रॉब्लम। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, जो भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है, ये कॉपीराइटर से इशू है आ रहा है प्रॉब्लम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इस तरह से आपको लिख देना है। मैं एग्जांपल के लिए सिर्फ आपको लिख के बता रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है अपलोड स्क्रीनशॉट, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट यहाँ पे इसे अपलोड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक बॉक्स दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे सिंपली इस बॉक्स पे टिक आउट कर देना है। इस तरह से टिक आउट कर देने के बाद आपको यहां से जो है सेंड फीडबैक पे क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह से आपको फीडबैक पे सेंड कर देना है। सेंड कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आप यहां पे 24 से थोड़ा टाइम आपको यहां पे बस वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपका जो भी प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि अब मैं आप सबको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ तो कि हमारा लाइव स्ट्रीमिंग का जो भी प्रॉब्लम आ रहा था वो सॉल्व हुआ या फिर नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और यहाँ पे मैं आपको लाइव स्ट्रीमिंग दिखाऊंगा कि मेरा जो भी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर वो प्रॉब्लम आ रहा था वो यहाँ पे 100% सॉल्व हो चुका है। देने के बाद आपको यहाँ पे लाइव के अंदर मैं आता हूँ। लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर आने के बाद अब यहाँ पे मैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए हमारा जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था ड्यू टू कम्युनिटी गाइडलाइंस वाला, वो प्रॉब्लम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है हट चुका है और मैं यहाँ से लाइव जा सकता हूँ। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।